नमस्ते बहनों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वान्या लाइफस्टाइल टिप्स में। आज हम बात करेंगे पीरियड का बंद होना या ना आना। पीरियड का ना आना या बंद होने को मेडिकल भाषा में एमनोरिया बोला जाता है। पीरियड ना होने का सबसे बड़ा कारण है प्रेगनेंसी होना। यदि पीरियड ना हो तो ये जरूरी नहीं कि गंभीर परेशानी है, लेकिन ज़्यादा समय तक पीरियड ना आए तो ये स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या भी हो सकती है। पीरियड बंद होने के लक्षण: स्तन से सफ़ेद पानी आना, बाल झड़ना, सिर दर्द होना, आँखों की कमजोरी, चेहरे पर अधिक बाल आना, मुहासे अधिक होना। यदि 2-3 महीने पीरियड ना आए तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। पीरियड ना आने के कारण: प्रेगनेंसी होने पर, स्तनपान कराने पर, मीनोपोज शुरू होने पर पीरियड आमतौर पर रुक जाता है। इसके अलावा गर्भ निरोधक गोलियां लेने पर भी पीरियड बंद हो सकता है। इसके अलावा यदि आप कोई दवाई ले रहे हैं तो भी पीरियड रुक जाता है। वजन बहुत कम होना, अधिक एक्सरसाइज करना या मानसिक तनाव में रहना के कारण भी पीरियड रुक सकता है। PCOS थायराइड, पियूष ग्रंथि में ट्यूमर आदि के कारण हार्मोन असंतुलन होना भी पीरियड रोक सकता है। इसके अलावा शारीरिक समस्याएं जैसे लैंगिक अंग में समस्या होना, योनि के बनावट में विकार होना आदि शारीरिक समस्या के कारण भी पीरियड रुक सकता है। पीरियड रुक जाने पर कौन सा टेस्ट किए जाते हैं? इसमें खून की जांच, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन आदि किए जाते हैं, जिससे कि हार्मोन असंतुलन और दूसरे जरूरी परीक्षण किए जाते हैं। पीरियड ना होने का इलाज टेस्ट के नतीजों पर निर्भर करता है। यदि आपको PCOS का समस्या है तो डॉक्टर हार्मोनल दवाई देता है। इसी प्रकार अन्य समस्या होने पर डॉक्टर आपको ज़रूरी इलाज देता है। पीरियड ना होने पर कैसे बचाव करें? स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं और डॉक्टर से ज़रूरी जांच और इलाज करवाएं। नियमित एक्सरसाइज करें, स्वस्थ खान पान खाएं। पीरियड ना होने पर कारक इस प्रकार है: परिवार में किसी के साथ यह समस्या है तो आपको भी ऐसा हो सकता है। खान पान सही ना हो तो, या आप खिलाड़ी हो तो भी यह समस्या हो सकती है। पीरियड ना होने पर आप बांझपन के शिकार भी हो सकते हैं। इसके अलावा आपके हड्डियों में कमजोरी भी आ सकती है, इसलिए डॉक्टर से ज़रूरी जांच और इलाज करवाइए। तो बहनों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करो ताकि दूसरे बहनों का भी भला हो सके। धन्यवाद।